ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 20 सितंबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम लाइट स्वरूप में होकर के हल्के रहें और हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर सिचुएशन में हम अपने आप को लाइट रखें, हल्का रखें। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं आज के इस वरदान में। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवः। अगर आप अपने आप को लाइट समझेंगे, एक एनर्जी समझेंगे, तो आपका फोकस चला जाएगा कि मुझे किस प्रकार की एनर्जी भेजनी है और मैं किस प्रकार की एनर्जी भेज रहा हूँ अभी। और अगर मेरी एनर्जी अभी भी किसी के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति अगर नेगेटिव है, अगर मैं सैडनेस में हूँ, मैं अगर बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में हूँ, या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ, या ब्लेम कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, या क्राई कर रहा हूँ, या क्राई बेबी बल्कि रोंतू अगर बन रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस सिचुएशन को और एनर्जी दे रहा हूँ और पावर दे रहा हूँ। तो जब मुझे पता लगा कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक एनर्जी फॉर्म हूँ, और मेरे सारे संकल्प उस सिचुएशन या उस व्यक्ति को बहुत पावर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मेरे को अपने कर्मों का बहुत ही सेंसिटिव ज्ञान हो जाएगा, बहुत ही मैं सेंसिटिव हो जाऊँगा कर्मों के साथ में। और जब कर्मों के साथ में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि ये सब कुछ एनर्जी का खेल है और एनर्जी ही हमें डिफाइन करती है। तो देखिए, परमात्मा कहते क्या हैं, बाबा कहते हैं, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, ओरिजिनल लाइट, निजी लाइट मतलब ओरिजिनल लाइट का स्वरूप है प्योर। कि किसी भी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति के साथ में मेरे कोई इम्प्योर थॉट्स हो ही नहीं सकता। अगर मैंने इम्प्योर थॉट्स क्रिएट किए, तो मैं एक कार्मिक बॉन्डेज सूक्ष्म में क्रिएट कर रहा हूँ। वो एनर्जी चाहे मैं बोलूँ ना, चाहे दिखाऊँ ना, लेकिन वो एनर्जी उस आत्मा तक जा रही है और वो मेरे को वापस आएगी ही, और वो बंधन महसूस होगा। तो करना क्या है, एनर्जी को चेंज करना है, फीलिंग्स को चेंज करना है। तो परमात्मा कहते हैं, निजी लाइट स्वरूप के स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। कि हाँ, व्यर्थ थॉट्स जा रहे हैं, इम्प्योर थॉट्स जा रहे हैं, बेकार के थॉट्स जा रहे हैं, नहीं, रुको रुको रुको, स्टॉप करो इनको, मुझे कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनाना, अब मुझे प्योर थॉट्स भेजने हैं, मुझे ब्लेसिंग्स भेजनी है, गुड विशेज भेजनी है उनकी तरफ। ये होता है नेगेटिव को और ये व्यर्थ को पॉजिटिव में चेंज करना। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। कि हाँ, मैंने जो भी इम्प्योर था उसको मैंने प्योरीफाई कर लिया, और बाकी जो आगे हो रहा है मेरे सामने उसको नहीं देखने के लिए, इग्नोर की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स में नहीं आने के लिए। कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन आप भी उसमें उतावले हो गए, आप भी उसमें किसी एक की साइड में हो गए, आपने भी कार्मिक बॉन्डेज बना लिया दूसरे साथ में। आपको न्यूट्रल रहने के लिए और उस सिचुएशन को डिटैच होकर के देखने के लिए, मैं लाइट और परमात्मा लाइट, बस दो की एनर्जीज में रहना है। ये तो एनर्जीज हमारी कनेक्टेड रहें, ताकि वो जो सामने जो हो रहा है नेगेटिव एनर्जी, उसका असर मेरे ऊपर ना पड़े। क्योंकि हमारी फीलिंग्स ऊपर नीचे हुई तो फिर कार्मिक बॉन्डेज, सिंपल है ना। परमात्मा तो कहते हैं, साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, ब्राह्मण परिवार मतलब जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ब्रह्म कुमारी में ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। कुछ हो रहा है सेवा के उसमें कार्य में, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं होना चाहिए, इसमें आप हलचल में आ गए, ये क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, इतने सीनियर होके ऐसे काम करते हैं, अरे ये तो छोटे हैं, इनको क्यों काम दे दिया, मुझे देना चाहिए था। मतलब कि हमें हलचल नहीं आनी चाहिए, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे हुए। ये चीज़ सेवा में भी, सेवा मतलब अपने घर में अगर आप काम कर रहे हैं वो भी सेवा है, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भी सेवा है, हर चीज़ सेवा है। सेवा में भी कोई हलचल ना है, हल्के रहना है। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। पुराने संस्कार मतलब क्यों, क्या, कैसे में जाना, ईर्ष्या आना या घृणा आना या नफरत आना या आलस्य आना, अलबेलापन आना या ब्लेम करना, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, ये पुराने संस्कार हो गए, ये नहीं हो सकते ब्राह्मण में, क्योंकि लाइट एनर्जी को समझते हैं। वह संसार से नहीं रहता। संसार में क्या चीज़ आती है, इस दुनिया में संसार में क्या आता है, नाम मान शान कमाना है, धन कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, चीज़ें चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो सकती उनके अंदर। बिकॉज़ वो एक एनर्जी को बिलीव करते हैं, वो एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, और उनको पता है कि अगर मैंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल पीसफुल और प्योर कर लिया, तो मुझे किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को बैक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। देहधारी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो,
ना वो किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी के लगाव में, ना किसी के प्रभाव में आएंगे। यह कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो नहीं सकती, कोई वस्तु उनको हिला नहीं सकती। आज इंसान को चीज़ों के साथ में लगाव है, अरे ये मेरे को 20 साल पहले मेरे को बर्थडे पे दिया था, अरे ये चीज़ मेरे को मिली थी, मेरी एनिवर्सरी में मिली थी, ये गिफ्ट है ना, इसको बिल्कुल मत छूना कहीं टूट ना जाए भाई, अरे ये तो मेरे ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर के साथ में आ रहा है, ये फैमिली की लेगेसी है। उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, बिकॉज वो किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं करते उनके इमोशंस में ऊपर नीचे होने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, उनको पता है कि हम आए हैं, एक्ट करेंगे इस दुनिया में और फिर वापस चले जाएंगे। मेरा कुछ नहीं और मेरा कुछ रहने वाला नहीं है और मेरा कोई भी नहीं रहेगा, पर मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी करनी है, हीरो एक्टिंग करनी है, विलेन एक्टिंग नहीं करनी है, तो हो नहीं सकता आकर्षण। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फरिश्ता मतलब हल्का, माइंड से हल्का, दिल से हल्का, वो आत्मा ही फरिश्ता है। जो कि खुद माइंड से हल्का और दिल से हल्का रहेगा तो और को भी हल्का बना देगा, एज सिंपल एज दैट। और ये करें कैसे, इतना लाइटनेस कैसे लाएं और हम कैसे इस प्रकार के बन पाएं, उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज में आकर के 7 डे कोर्स करिए और गहराई में जाएं, ताकि आपको मज़ा आ जाए हल्केपन का। ये गारंटी है आपको हल्केपन का मज़ा आएगा।